नमस्कार। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजियां तेज हो गई है। जातीय जनगणना के मसले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जातीय जनगणना का मसला जोर शोर से उठा रहे हैं। इस पर मध्य प्रदेश से बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा है और कहा है कि राहुल गांधी को पहले अपनी जाति बतानी होगी। रामेश्वर शर्मा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक है। रामेश्वर शर्मा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की ओर से जातीय जनगणना की उठाई जा रही मांग को लेकर कहा कि पहले तो राहुल गांधी को यह खुद बताना पड़ेगा कि उनकी खुद की जाति क्या है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि वैसे तो हम लोग सनातन प्रवृत्ति के लोग हैं, हिंदू समाज में सबके वर्ग जाति का उल्लेख नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी आपने जाति पूछनी शुरू कर दी है तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि फिरोज खान नाती किस जाति का है। वहीं बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी इस दौरान कई मसलों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों कई राज्यों से होते हुए आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की इस यात्रा का बुधवार को अंतिम दिन था। इसके बाद 7 मार्च को यह यात्रा गुजरात में प्रवेश कर रही है। वहीं अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना का मसला उठा रहे हैं, साथ ही केंद्र के सरकार पर हमले भी बोल रहे हैं।